गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाँ भाई, हाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया का पेपर लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने। बीए एलएलबी का है ये, आप देख पा रहे हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2018। गाइस, ये उस दिन का पेपर जब आया था एकदम तहलका मच गया था, तो क्यों ना आप भी थोड़े तहलके में शामिल हो जाएं। तो आइए देखते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीए एलएलबी जामिया मिलिया इस्लामिया। गाइस, ये रहा पेपर, ऑफिशियल पेपर है ये। आइए फिर और नीचे आइए, देखिए 150 क्वेश्चन थे इसमें। अब मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ह्यूमन राइट डे इज एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। क्वेश्चन नंबर 2, एसबीआई हैज़ मर्ज विद हाउ मेनी बैंक्स। गाइस, ये आप देख पा रहे हैं मैं सामने आपके पेपर लेके आया हूँ। गाइस, आप क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया कौन थे? मोहम्मद अली जौहर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें जीके जो पूछी जा चुकी है, मैं आपको पूरा पेपर का रिव्यू दे चुका हूँ इस मेरे अपने पुरानी वीडियोस में। तो गाइस, अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए गाइस, वरना आपको पता कैसे चलेगा मैं वीडियो डाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फ्रेंड्स आप। क्वेश्चन नंबर 16, इस पेपर को थॉरली आपको एनालिसिस करना, डेप्थ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ये पेपर ऐसा नहीं है कि आप 14 दिन पढ़ के निकाल पाएँ, ये पेपर के लिए आपको तैयारी मांगती है पेपर ये, क्योंकि जामिया कॉलेज आपका ही है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक होगा, कैसे नहीं होगा। गाइस, आप बस यूट्यूब चैनल के साथ स्टडी विंग्स के साथ बने रहिए, फिर आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 लेके आ चुका हूँ आपके सामने मैं। क्वेश्चन नंबर 27, गाइस मैं पूरा हैवी पेपर आपके सामने है, जितने पॉसिबल थे इसके आंसर्स आप देख पा रहे हैं, और कहीं भी आपको ऑप्शन में डाउट हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप तुरंत ही गूगल करें। सेट डी है, इसमें एडमिशन लेने के लिए आप सभी को 90+ स्कोर करना पड़ता है। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप रिजर्वेशन से हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, तो भी आप 85+ स्कोर करें ताकि आप अपनी सेफ साइड बना सकें, क्योंकि हम लोग हमेशा अपनी वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो गाइस, मैं नीचे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 46, गाइस क्वेश्चन पेपर को आप वोकैब, इसकी जीके, इसकी लीगल, जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ, बना लें इसको, नोट्स बनाने के बाद स्टडी करें, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। आप इस चैनल को वाइडली शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो एस्पायरेंट हैं, आप सभी के तैयारी पेपर कर रहे हैं मन लगा के, उन लोगों के लिए मैं कुछ हेल्पफुल होना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 60, देयर इज़ अ मॉस्क इन द स्ट्रीट। गाइस, इंग्लिश भी पूछी जाती है इसमें, मैं आरसी के लिए यहाँ पे थोड़ा पॉज कर देता हूँ ताकि आप सभी पॉज करके पढ़ सकें, देख लीजिए गाइस, ये है आरसी पूछी गई है। अब मैं थोड़ा फास्ट होता हूँ, नीचे की ओर बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 64 तक पहुँच चुका हूँ। गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप सभी को पेपर की एनालिसिस का अनुभव हो सके, पेपर किस तरह के आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अरे गाइस, पेपर का लेवल है कि मॉडरेट है, पेपर घुमा के थोड़ा पूछा जाता है, आप सभी को, आप सभी इसमें स्कोर कर सकते हैं अच्छा काफ़ी, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पर थोड़ा कमांड है। 100 MCQ की मैं लेक्चर डाल चुका हूँ, आप मेरे YouTube चैनल से जाकर प्ले कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको पास्ट ईयर पेपर और चाहिए तो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यकीन मानिए। कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, सब ने मुझसे बताया कि गाइस कि पेपर की डेप्थ एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है कोई भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप पेपर को पूरा रिवाइज करें, थॉरली पढ़ें, आंसर नेट से टैली करें। अरे दोस्तों, और बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, बस आप फिर देखिए। गाइस, अगर मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ तो प्लीज़ देख लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 110, सब प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है गाइस,
क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन इजी भी होते हैं। आ चुके हैं आप क्वेश्चन 116 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 120, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली गई है? USSR, रशिया। गाइस रशिया नहीं, सॉरी सर, आप इसका देख लीजिएगा आंसर, मुझे 120 में कन्फ्यूज़न है। क्वेश्चन नंबर 123 का सी आंसर है। 128 गाइस, जैसे आपको पता है क्वेश्चन 150 पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1975। गाइस ये हैं जामिया मिलिया स्टैंड्स फॉर नेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है गाइस, इसका आंसर 137। जामिया मिलिया बिकेम सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन, सबके आंसर आपको पता होना चाहिए गाइस, जामिया मिलिया के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंड फाइव ईयर फॉर्मुलेटेड इन, सारे इंडिया चाइना के बीच मैकमोहन लाइन है जो रेडक्लिफ लाइन दी हुई है गाइस, 142 क्वेश्चन नंबर 1A ऑप्शन है, रेडक्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान की बीच की है। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं गाइस, आप सभी का बहुत स्वागत रहा मेरी वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस बाय बाय।